नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजी व्यंजकों का जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहला प्रश्न लिया है, वो जो है 8a-2b + 2a + 2b। तो सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न कहीं भी दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, जो ए वाले पद हैं उसको एक साथ कर लेंगे और बी वाले पद को एक साथ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, पहले तो जैसा प्रश्न दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं, 8a-2b + 2a + 2b। तो मैंने क्या कहा, मैंने बताया कि ए वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं और बी वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। 8a, अब देखिए ए वाले पद और कहाँ है, यहाँ पर देखिए +2a है, तो +2a को 8a के साथ लिख दिया। और देखिए बी वाले को भी एक साथ लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर -2b है और यहाँ पर क्या है +2b है, तो इसको एक साथ कर लिया। चलिए इसको और आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 × 2 = 10 हो जाएगा, कितना होगा 10, और ए ज्यों का त्यों होगा, यानी कि 10a हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -2b और +2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न को करते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न हमारा ये रहा, तो मैं इस वीडियो में 3 टाइप के प्रश्न को कराने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रैकेट है उससे आपको घबराना नहीं है, उसको चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को, तो क्या होगा, 7a-4b + 5a + 2b। तो चलिए ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए प्लस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा जब हम फिर से माइनस में करेंगे -3b में तो क्या हो जाएगा, -3b हो जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले a वाले पदों को एक साथ और b वाले पदों को भी एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए 7a है हमारा, ये हो गया, और यहाँ पर देखिए +5a है, तो a वाले पदों को साथ लिखना है, और यहाँ पर देखिए क्या है, -2a है, तो यहाँ पर -2a हो जाएगा। अब चलिए b वाले को कर लेते हैं, b वाला क्या है हमारा, -4b है, और यहाँ पर देखिए +2b है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, -3b है। तो चलिए इसको और आगे हल करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर 7, 5, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12a, और माइनस में क्या बचेगा, -2a हो जाएगा। तो और इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4b में से 2b चला गया तो कितने बचे, 4b में से 2b चला गया तो कितने बचेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन बड़ा है इसलिए -2b बचेगा, और यहाँ पर देखिए -3b रह जाएगा, ज्यों का त्यों। तो चलिए इसको और आगे हल करते हैं, क्या होगा, 12a में से 2a चला जाएगा, कितने बचेगा, 10a हो जाएगा, 10a, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3b में से कितना जाएगा, -2b और -3b क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, -5b हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे टाइप के प्रश्न को करते हैं। तीसरा टाइप का प्रश्न, तो देखिए इसमें क्या करना है, यक्स स्क्वायर वाले पद को एक साथ, जहां भी यक्स स्क्वायर है उसको एक साथ कर लेंगे, और वाई स्क्वायर को भी एक साथ कर लेंगे, और जो ए वाले पद हैं उसको एक साथ, और जो बी वाले पद हैं उसको भी एक साथ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, 19x², और देखिए कहीं भी यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए क्या है, यक्स स्क्वायर है, तो प्लस में 3x², अब वाई स्क्वायर वाले पदों को एक साथ करेंगे तो माइनस का 5y² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 5y², और क्या बचेगा, -2a और माइनस का 3b बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए a तो एक ही है और b भी एक ही पद है, एक पद a है एक पद b है, तो और अन्य पद कोई नहीं है, तो वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22, और x स्क्वायर कितना हो गया, 19 + 3 = 22x² हो जाएगा, और -y² और -y² कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए -5
यहाँ पर देखिए प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर है और ये माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर एक साथ कर लिया था, तो माइनस का फाइव वाई स्क्वायर और प्लस का फाइव वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा माइनस का टू ए और माइनस का थ्री बी, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।